वेलकम टू दिस वेबकास्ट। आज जो डिस्कस करने वाला हूँ पब्लिक पॉलिसी, विजिटर आके वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ, या जो इंटरनेशनल स्टूडेंट सिस्टम स्टेटस जिनका खत्म हो गया है, खत्म होने वाला है, या अभी उनको ऑप्शंस नहीं समझ आ रही कि कैसे क्वालिफाई करेंगे, उनके बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप ऐसे एप्लीकेंट हैं जो जिनके एज 55 से कम है, आपके पास ग्रेड 12 है, चार बैंड आईलेट्स में ले सकते हैं, तो हो सकता है आईसीसी इमिग्रेशन के पास आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट हो। बिकॉज इस टाइम पे आप अगर आप इस पॉलिसी के तहत फरवरी 2025 तक वर्क परमिट ले सकते हैं और आपको कोई भी एम्प्लॉयर अक्रॉस कनाडा मिलता है तो उससे अपॉर्चुनिटीज लीजिए, एलएमआईए लीजिए। बट एक चीज जरूर डिस्कस कीजिए कि आपकी पीआर होने वाली है इस वर्क परमिट के साथ या नहीं होने वाली, और अगर नहीं होने वाली तो गो टू दोज प्रोविंसेस एंड गो फॉर दोज जॉब जो आपको परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ विद फैमिली क्वालिफाई करा सके। इंफॉर्मेशन लेने के लिए आईसीसी टीम के साथ आके अपॉइंटमेंट बनाइए, आके डिस्कस कीजिए, एंड वी विल डिस्कस कि आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे वर्क करने वाली।